नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो यहाँ पर हम बात करेंगे यूपी SSSC यानी कि कनिष्ठ सहायक नोटिस। यहाँ पर आयोग के द्वारा जारी किया गया है। क्या है पूरा नोटिस, उसके बारे में हम बात करेंगे। नोटिस आपका अभी जारी हुआ है 4 जनवरी 2020 से, और इसके कट ऑफ को लेकर भी हम बात करेंगे। यहाँ पर आप लोग अपने पेपर को देख सकते हैं, क्या है पूरा अपडेट वो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। और आप लोगों ने कितना स्कोर किया है, कितने आपके क्वेश्चन सही, ऐसा भी आप लोग यहाँ पर अपना कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। UP SSSC का ये आपका है ऑफिशियल वेबसाइट, और यहाँ पर आपका ये नोटिस पूरा जारी किया गया है। ये आपका पूरा नोटिस है, और इस नोटिस में क्या बोला गया है वो चीज़ें यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। 4 जनवरी 2020 UP SSSC परीक्षा संख्या 4 2019 कनिष्ठ सहायक आपका पेपर हुआ है 4/1/2020 शनिवार को दोपाली में। यहाँ पर क्या बोला गया है कि प्रश्नगत कनिष्ठ सहायक आपका जो पेपर हुआ है 4/1/2020 को संपन्न लिखित परीक्षा प्रथम पाली की उत्तर पुस्तिका की 8 सीरीज और द्वितीय पाली की प्रश्न पुस्तिकाओं की 8 सीरीज यहाँ पर आपका साइट पे अपलोड कर दिया गया है, जो कि 14/1/2020 तक रहेगा। यानी इसका जो पेपर है, जो आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया है, आपका जो पेपर था वो यहाँ पर अपलोड कर दिया गया है। ठीक है, तो क्लिक टू डाउनलोड क्वेश्चन पेपर PDF, यानी कि प्रश्न पत्र PDF डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पर वेबसाइट पर क्लिक करना है। लिंक यहाँ पर आपका ये दिया गया, मैं एक बार आपको दिखा दूँ। देखिए, ये आपका ऊपर ये पूरा लिंक इसका है। व्यू ऑल पे जाएंगे तो ये आपका पूरा लिंक दिया गया। यहाँ से आप अपना क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं, आप उसको देख सकते हैं। और यहाँ पर आपका जो आंसर की है वो अभी यहाँ पर नहीं दिया गया, क्वेश्चन पेपर आपका यहाँ पर दे दिया गया है। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, ऐसे आपका ये ओपन हो जाएगा। तो अभी ये शायद काफ़ी लोड है सर्वर पे, इसलिए ये अभी आपका खुल नहीं रहा है। लेकिन यहाँ पर UP SSSC के द्वारा नोटिस जारी किया कर दिया गया है, तो आप इसको अपना पूरा जो क्वेश्चन पेपर है वो डाउनलोड कर पाएंगे। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे UP SSSC एग्जाम के कट ऑफ के बारे में, तो यहाँ पर आप सभी एक बार कमेंट करके बताइए कि क्या आप लोगों ने कितना क्वेश्चन बिल्कुल सही किया है। उसके आधार पर एक बार फिर से मैं देखूंगा। और यहाँ पर अभी जो आपका पेपर कंडक्ट हुआ है, उसमें आपका जो हिंदी की बात करेंगे तो हिंदी में 50 से लेकर 55 क्वेश्चन तक अगर आपने किया है तो काफ़ी अच्छा किया है। और रीजनिंग की बात करेंगे तो उसमें 20 से 25 जिसने भी किया है काफ़ी अच्छा किया है। और अगर हम बात करेंगे GS के बारे में, तो GS काफ़ी आपका थोड़ा सा कठिन था, तो वहाँ पर 20 क्वेश्चन तक जिसने भी किया है तो अच्छा किया। यानी कि अगर हम ओवरऑल माने तो इसका जो कट ऑफ है, तो आज जो भी आपका पेपर हुआ है उसको देखते हुए अगर हम कट ऑफ की बात करेंगे तो 40 से लेकर 45 के बीच में इसका कट ऑफ होने की उम्मीद है। बाकी आप लोग यहाँ पर अपना एक बार पूरा चेक करिए कि आपको यहाँ पर कितने क्वेश्चन आपके सही हैं, कितना नंबर आपको मिल रहा है, फिर आप एक मुझे बताइएगा, तो फिर मैं इसका फाइनल कट ऑफ आपको बताऊंगा। ठीक है, और बाकी इस पेपर का जो पूरा आंसर की है वो मैं यहाँ पर जल्द ही अपलोड करूंगा, तो आप इसको एक बार मिलान कर लीजिएगा। ठीक है, मैं अनअकैडमी पर एक वेरीफाइड और प्लस एजुकेटर हूँ। आप लोग यहाँ पर मुझे अनअकैडमी प्लस पर ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर 35+ एजुकेटर आपको लगातार पढ़ाते हैं आने वाले UPSC UP SSSC के सारे पेपर के लिए। जूनियर असिस्टेंट एग्जाम का बैच कोर्स यहाँ पर चल रहा है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आपके जो इंडिविजुअल कोर्स है वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। जूनियर पेपर के लिए 35+ एजुकेटर हैं जो कि आपको लगातार पढ़ा रहे हैं। आपको केवल अपना वन टाइम करना है पेमेंट और आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये मेरा कोड इसका यूज करेंगे तो यहाँ पर आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप यहाँ पर